सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का, कैसे आप अपने नॉर्मल से फोटो को कुछ इस तरह से एडिट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो आप भी चाहे तो इसी तरह से सेम टू सेम एडिट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये वाला वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक, ठीक है, तभी आप ये वाला एडिटिंग कर पाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो मॉडल का फोटो है या अपना फोटो, उसको ऐड कर लेना है पिक्सार्ट एप्लीकेशन में। और मैंने इसको ऑलरेडी स्मूथ कर लिया है फेस, अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है, फेस कैसे स्मूथ करना है। तो सबसे पहले हम टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे क्रॉप पे, और हमारा जो इमेज है उसको थोड़ा सा स्क्वेयर के जैसा मतलब क्रॉप कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे हो चुका है, मैं यहाँ से कर लेता हूँ डन। इसके बाद हमें जाना है फिर से टूल्स के ऊपर और यहाँ से कर लेना है अपने फोटो को रिसाइज। तो फोटो को रिसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप भी 100% करना, क्योंकि रिसाइज करने से फोटो का जो पिक्सल्स है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने रिसाइज कर लिया। तो इसके बाद हमें जाना है यहाँ पे ऐड फोटो के ऊपर, और ऐड फोटो के ऊपर जाने के बाद हमारा जो ये वाला PNG है इसको ऐड कर लेना है, ठीक है, इमेज। तो ये मैंने ऐड कर लिया और इसको कुछ इस तरह से जूम कर लेंगे। तो मैं अच्छे से बिल्कुल स्क्रीन को फिट कर देता हूँ इस तरह से, और इसके बाद इसके जाएंगे हम ब्लेंडिंग मोड पर और इसे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे अच्छे से कर लेता हूँ और ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे किस तरह से भी एडजस्ट करते हो, कर सकते हो अपने फेस के हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, हाफ फेस को कुछ इस तरह से लगाता हूँ और ये इस तरह से, ठीक है। मैं और थोड़ा जूम कर लेता हूँ, छोटा लग रहा है। और ये मैंने अच्छे से एडजस्ट कर लिया और यहाँ से कर लेता हूँ डन। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो आपको जाना है इफेक्ट्स के ऊपर, और इफेक्ट्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, कलर्स वाले ऑप्शन पे जाना और यहाँ पे कॉन्स्ट्रास्ट को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका जो अमाउंट है ज़्यादा कम करके देख सकते हो, मैं यहाँ पे 83 रख ले रहा हूँ और यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो ये हमारा इतना हो चुका है। इसके बाद हमारा जो मेन चीज़ आता है फोटो एडिटिंग में, वो ध्यान से देखना, ठीक है। हमें जाना है ड्रा टूल के ऊपर, और ड्रा टूल के ऊपर जाने के बाद जो कलर है व्हाइट सिलेक्ट कर लेना है, और ये हो गया। इसके बाद ब्रश वाला आइकन पर क्लिक करके, ये जो फर्स्ट वाला ब्रश है, इसके हार्डनेस को बिल्कुल 1 पे रख देना है, और ओपेसिटी को 10, साइज को अपने फोटो के हिसाब से, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट। इसके बाद मैं इस तरह से जूम कर लेता हूँ और ये वाला आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको ओवरले कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, इसको ओवरले कर देना है और कुछ इस तरह से अपना जो फेस के ऊपर है वहाँ पे इस तरह से थोड़ा बर्न करना है, ठीक है। फोटो में अच्छा लुक आता है बर्न करने से, और जितने बार आप अप्लाई करोगे उतने बार ये डार्क होते जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ इतना कर लेता हूँ और यहाँ पे फटाफट से कर लेता हूँ। इसके बाद मैं बताऊँगा कि नेक्स्ट क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे सारा सब कुछ कर लिया है और मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसे डन, और यहाँ से इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो हमारा जो फोटो है यहाँ पे रेडी होके आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टूल्स पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा हम कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, और जो भी कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी करना है, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया, यहाँ से कर लेता हूँ डन। इसके बाद हमें यहाँ पे जाना है ड्रा टूल के ऊपर, और ड्रा टूल के ऊपर जाने के बाद हमारा जो यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करके इमेज को कर लेना है सेव। तो हमारा जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल आपको रोज मिलती रहेंगी। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, यहाँ पे आपको ID मिल रहा होगा और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अभी अगले वीडियो पर।